बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। मेरे व्यूवर, अभी मैं आपके साथ नई सी रेसिपी शेयर करूंगा, बहुत जदीद तरीके से बनाऊंगा, बहुत जदीद तरीके से आपको समझाऊंगा किस तरह बनानी है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करना। कैसे बनती है, अभी आप बनाने के लिए जा रहे हैं, जदीद रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने मुखड्डी हलवा किस तरह बनाना है। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके के साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे पतीली के अंदर इस तरीके के साथ। अभी हम लोग वेट करेंगे, ये गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये इस तरह में जो हरी लाजी ले ली, उसको दाने निकाल ली, इस तरीके से वेट कर देंगे। एक कप चीनी भी, एक कप मैंने चीनी का ले लिया। ठीक हो गया, इस तरीके से ऐसे अभी इस तरीके से इसको चलाएंगे, तरह ठीक हो गया। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे व्यूवर, ये इस तरह बनेगी जिस तरह शादी के अंदर बनता है हलवा, इस तरह मैं बना के आपको दिखाऊंगा मुखड्डी हलवा कैसे बनता है। बहुत आसान सा तरीका है। तो चीनी ऐड की है, अभी इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, फिर आपके साथ में मिलते हैं, आपको बताता हूँ इसकी सही जो है ना पक चुकी है। ठीक हो गया, ये मैंने एक कप लिया है सूजी का और दो कप में इसके अंदर दूध ऐड किया है। अभी इसके अंदर शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम के साथ आपने करने इस तरह। ठीक हो गया, ये मेरी व्यूअर, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है क्यों गरम चीनी भी होती है और साथ में जो है ना घी भी गरम होता है जो हम लोग इसके अंदर शामिल करते हैं। जब आप ठंडा दूध और सूजी ऐड करोगे तो मिल करके परेशान नहीं होगा आपने। ठीक है, बहुत आसानी से बनता है, कोई नुकसान नहीं है, आपके हलवे के अंदर लफ्स नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐड करनी है एल भी, उससे आपने बराबर एल कर बराबर ऐड करना है, कम या ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अगर कम से ज़्यादा करोगे आपको मुश्किल हो सकती है, इसलिए आपने इस चीज़ों का ख्याल करना है। ये मेरे पास मैंने ग्राइंड कर लिया नारियल, ये काजू मैंने इस तरह ले लिए दो चम्मच, और ये दो चम्मच होगी खाने वाली बादाम और दो चम्मच किशमिश। ठीक हो गया, अभी थोड़ा इनको ऐड करेंगे इस तरीके के साथ। ठीक हो गया, इस तरह ये मेरे पास कलर है, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे इस तरीके के साथ, इस तरह। ठीक हो गया, इस तरह आपने अभी इसको 15 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करने है, सही 15 मिनट के बाद मैं आपके साथ मिलूंगा। ये मेरी व्यूअर 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक हो गया, मेरा मुखड्डी हलवा तैयार हो चुका है, रबड़ी हलवा। आपने इसके नीचे आग तेज नहीं करनी है, बहुत काम आग के ऊपर इसको फ्राई करना है बहुत अच्छी तरीके के साथ। ठीक हो गया, आपने इस तरीके के साथ बनाना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी डिश को आउट करेंगे, फिर मैं आपको आखिरी लुक दिखाता हूँ हलवा कैसा मेरा बना है मुखड़ी। ये माशाल्लाह मेरा मुखड़ी हलवा ये तैयार हो चुका है, आप देख चेक कर सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत जेकेदार बनाया मैंने। आप इस तरीके से एक बार मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करो, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करो।